हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि है आपका असिस्टेंट प्रोग्रामर का क्वेश्चन पेपर। हिमाचल हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली हुई थी असिस्टेंट प्रोग्रामर की, जिसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया एचपी हाई कोर्ट द्वारा 3 मार्च 2024 को। ठीक है, 3 मार्च 2024 को यह एग्जाम कंडक्ट कराया गया। इसका जो जीके पार्ट है वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका जो पूरा पीडीएफ है, पूरा पेपर का जो पीडीएफ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पे जाके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे इसका जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो आपको वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, इसका जो ओरिजिनल पीडीएफ है उसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही है। ठीक है, इसमें हिंदी जो है मैंने खुद ऐड कर रखी है, जो हम आज का जो पेपर है इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डेली पेमेंट लिमिट ऑफ लिमिट फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन सेट बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 2024। जनवरी 2024 से जो हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनपीसीआई है, इसके द्वारा यूपीआई के थ्रू जो गूगल पे हम ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई आईडी से, उसकी जो डेली लिमिट है वो कितनी कर दी गई है। ठीक है, 2024 से जो है जो यूपीआई की लिमिट है वो कितनी कर दी गई है, किसके द्वारा की गई है, एनपीसीआई द्वारा। तो ये जो लिमिट है वो अब कर दी गई है कितनी, 1 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूपीआई की जो लिमिट है अब जनवरी 2024 से वो कितनी कर दी गई, वो कर दी गई आपकी 1 लाख रुपए। ठीक है, जो भी एजुकेशनल हम फीस देते हैं, हॉस्पिटल की फीस देते हैं, वो सब कितनी तक कर सकते हो आप, 1 लाख तक। ठीक है, अभी यूपीआई से यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन जो प्रीवियस के एग्जाम में बने थे हिमाचल के एग्जाम्स में, एक तो डायरेक्टली यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो यूपीआई की जो फुल फॉर्म है वो आपको याद करनी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया कि यूपीआई भारत में कब से शुरू हुआ, तो 2016 से। ठीक है, यूपीआई जो है, जो इसका ट्रायल बेस शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था, 2016 से। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखिएगा, मार्गेट द्वितीय जो रिसेंटली डाइड हुई है, ठीक है, सॉरी, जिन्होंने रिसेंटली त्याग पत्र दिया है, अपनी जो उनका क्राउन था उसको त्याग दिया है, वो कौन से देश की है। ठीक है, जिन्होंने हाल ही में जो है अपने पद से त्यागने की घोषणा की है, वो किस देश की है, तो ये बिलोंग करती है डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बन जाएगा। यहाँ पे मोनार्की है, तो इन्होंने जो अपना पद है ये किसको दिया है, अपने बेटे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मूव करते हैं। इनमें कुछ ज़्यादा जो है स्पेसिफिकेशन नहीं है क्वेश्चंस में, ये डायरेक्टली करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपके, दिसंबर से दिसंबर जनवरी के, दिसंबर 2023 और जनवरी के कुछ एक क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूथ वोटर होगा यहाँ पे ना, यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर से जो है किस क्रिकेटर को युवा वोटर जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है किसको, सुरेश रैना को। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिएगा, हमारा जो सी सी है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे, वो कौन है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, इनका नाम अक्सर पूछा जाता है कि हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम क्या है, राजीव कुमार। वोटर्स डे हम कब मनाते हैं, वोटर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कब, 25 जनवरी को। वोटर्स डे कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। और राइट टू वोट हमारा कौन सा अधिकार है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। ठीक है, वोट करने का अधिकार हमारा कौन सा है, संवैधानिक अधिकार है। वोट करने की मिनिमम आयु कितनी है, 18 साल। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइएगा कौन से अमेंडमेंट के तहत जो वोटिंग की एज है वो 21 से घटा के 18 की गई थी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट में जो है आपका आंसर जरूर दूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत ने 2023 से किस खाड़ी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की है। तो भारत जो है फ्री ट्रेड करेगा, एक एग्रीमेंट किया है किस देश के साथ भारत ने, तो भारत ने किया है ओमान के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाए, इसके साथ ओमान के साथ। जो भी हमारे केमिकल है, केमिकल के मिनरल फ्यूल्स है, आयरन है, स्टील है, ठीक है, फुटवेयर के चीजें हैं, इनके लिए जो है भारत और ओमान जो है वह फ्रीली ट्रेड करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, फोर्ब्स की 2023 की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की ओर से किस महिला ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फोर्ब्स की जो सूची आती है ईयरली, उसमें 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स ऑफ द वर्ल्ड आती है, उसमें
जो टॉप 100 है उसमें भारत की कितनी महिलाएं हैं? 4 महिलाएं। ठीक है, भारत की 4 महिलाएं हैं इसमें, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन से, तो निर्मला सीतारमण जी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका जो रैंक है ऑल ओवर वो है 32। कितना रैंक है इनका? 32वां रैंक है ना इनका। अभी क्या है, भारत की वर्तमान में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें रोशनी नड्डार, सोमा मंडल, ठीक है, जो सेल है हमारा सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल की जो हेड है अभी करंट टाइम में, ठीक है, सोमा मोनहाल, वो उनको भी ये जो है वो भी इस सूची में है। इसके अलावा रोशनी नडार भी जो है इस सूची में है। ठीक है, तो भारत से कितनी महिलाएं हैं? फोर्ब्स की सूची में 4 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में रिपीट हो जाए क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य ने राज्य की स्वदेशी मुस्लिम आबादी के लिए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की मंजूरी दी है? ठीक है, विच इंडियन स्टेट जो है अप्रूव किया है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे फॉर द स्टेट इंडिजीनियस मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन का जो है सर्वेक्षण के लिए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो है उनका शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, असम गवर्नमेंट ने। कौन सी गवर्नमेंट ने? असम सरकार ने जो है ये शुरू किया है, और असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर के अंदर है। हेमंत बिस्वा सर्मा जो है यहाँ पे क्या है अभी करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है। अगर हम बात करें असम से, असम से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि असम से नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो डायरेक्टली यहाँ की लैंग्वेज पूछी जाती है बोडो, एक तो डायरेक्टली पूछा जाएगा बोडो ट्राइब कहाँ पे है, तो असम आपको याद करना है। बोडो और असामी यहाँ की लैंग्वेजेज है, ठीक है, असम की लैंग्वेज कौन कौन सी है? बोडो और असम जो है असामी यहाँ की लैंग्वेज है। इसके अलावा कुछ एक यहाँ पे नेशनल पार्क्स है जो कि आपको हमेशा याद रहना चाहिए। एक तो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। कहाँ पे है आपका ये? लोकेटेड है कहाँ पे? असम के अंदर। इसके अलावा मानस, मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? मानस नेशनल पार्क भी आपका लोकेटेड है यहीं पे। इसके अलावा माजुली द्वीप पूछा जाता है, और एक इंपॉर्टेंट मंदिर है असम के अंदर, दैट इज कामाख्या देवी टेम्पल। कामाख्या देवी टेम्पल लोकेटेड एट असम। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करें, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये है हीरा लाल सुमारिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीरा लाल सुमारिया जो है इन्होंने ओथ ली है। अच्छा, डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि चीफ इलेक्शन जो सॉरी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं उन्हें ओथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट, भारत के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, भारत के जो प्रेसिडेंट है वो इन्हें ओथ दिलाते हैं। अभी करंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है हमारे, हमारी जो भी करंट टाइम में प्रेसिडेंट है, दैट इज द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा जो है इसको शपथ दिलाई गई। नेक्स्ट देखिएगा, विच इंस्टीट्यूशन इनोग्रेटेड इट्स जंजीबार कैंपस इन तंजानिया? तंजानिया में जो है कौन, तंजानिया का जो एरिया है जंजीबार, ठीक है, जंजीबार जो है बेसिकली एक आइलैंड है ईस्टर्न जो कोस्ट है अफ्रीका का वहाँ के, ठीक है, तंजानिया से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो है किस संस्थान ने, भारत के किस संस्थान ने जो है अपना एक परिसर खोला है, अपना एक जो कैंपस खोला है, तो यह है आईआईटी मद्रास। कौन सा है? आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को अगर हम बात करें कि अभी जो हमारा एचआरडी मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा एक जो है रैंकिंग निकाली गई थी, जिसमें जो आपकी रैंकिंग थी उसमें जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग है, उसमें फर्स्ट रैंक किसका आया है? तो आईआईटी मद्रास का ही उसमें फर्स्ट रैंक आया है। अगर हम बात करें टोटल आईआईटी कितने हैं इंडिया में अभी करंट टाइम में, अगर टोटल आईआईटी की बात करें तो वर्तमान में भारत में टोटल 23 आईआईटी है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ईयर्स हैज़ बीन प्रपोज टू मार्क एज अ टूरिज्म डे? ठीक है, पर्यटन वर्ष के रूप में किस वर्ष को मनाया जाएगा? तो पर्यटन वर्ष के रूप में 2023 को जो है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो एससीओ है हमारा शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो टूरिज्म मिनिस्टर्स है, ठीक है, टूरिज्म मिनिस्टर जो है उनकी अभी एक बैठक हुई थी, जिसमें भारत ने जो है इसमें कहा था कि 2023 को एज अ टूरिज्म डे के लिए सेलिब्रेट किया जाए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एससीओ का जो हेडक्वार्टर है दैट इज बीजिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग के अंदर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम बात करें टूरिज्म से, टूरिज्म से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में? एक तो डायरेक्टली टूरिज्म मिनिस्टर पूछा जा सकता है कि भारत के वर्तमान में टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जो है भारत के वर्तमान में क्या है आपके टूरिज्म मिनिस्टर है। इसके अलावा अगर हम बात करें
नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल टूरिज्म डे प्लस आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी और वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, ठीक है। इसके अलावा आपको इनकी थीम भी पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट पुलिस मेडल विनर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था अश्विन कुमार। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अश्विन कुमार जो थे पहले हिमाचल प्रदेश के पहले पुलिस पदक विजेता थे, ठीक है। इसके अलावा जो भी गैलेंट्री अवार्ड्स है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हिमाचल से बनते हैं। एक तो डायरेक्टली बनता है कि हिमाचल प्रदेश में कितने व्यक्तियों को विक्टोरिया क्रॉस जो अवार्ड है वो दिया गया है, तो विक्टोरिया क्रॉस विनर्स जो है हिमाचल प्रदेश में वो दो हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चार हमारे यहाँ पे पीवीसी है, ठीक है, परमवीर चक्र है, इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक अशोक चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रू अबाउट होटल जज कोर्ट इन प्रागपुर। देखिए प्रागपुर में एक होटल है जिसका नाम क्या है, जज कोर्ट। होटल का नाम क्या है, जज कोर्ट होटल। इसके बारे में कुछ एक स्टेटमेंट्स दे रखी है कि क्या कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है इसके बारे में सही है। इट्स 300 ईयर्स ओल्ड, क्या ये 300 साल पुराना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी, इट वाज ओरिजिनली बिल्ड बाय जस्टिस सर जयलाल, या फिर जो थर्ड हमारी स्टेटमेंट दे रखी है, इट इज आल्सो फेमस एज जज साहिबी कोठी। तो तीनों जो है यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ये 300 साल पुराना है और ये जो हमारे जस्टिस थे श्री जयलाल जी उनके द्वारा जो है बनाया गया था और इसको जज साहिब की कोठी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करें, मलाना इन कुल्लू इज नोन फॉर, जो कुल्लू का मलाना है, मलाना जो एरिया है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है मलाना का कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो कुल्लू में है, किसके लिए फेमस है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सबसे पुराना लोकतंत्र है दुनिया में। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंड जुडिशियल सिस्टम, अपना एक जो है इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल और जुडिशियल सिस्टम है, या फिर देवता जो है जामलू जो है उनको यहाँ पे प्रसिद्धि है, उनको जो है माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो ऑल ऑफ द अब इसका भी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, ठीक है, सभी जो है इसके आंसर सही है। ये सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, ठीक है, मलाना जो है, और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल और जुडिशियल सिस्टम है यहाँ पे, और अगर हम बात करें यहाँ पे देवता जामलू की जो है पूजा की जाती है, ठीक है, कहाँ पे है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है भुंडा सेरेमनी टेक प्लेस एट निर्मंडा एवरी आफ्टर एवरी, निर्मंड में जो है प्रत्येक वर्ष भुंडा जो उत्सव है वो कहाँ पे कब मनाया जाता है, कितने सालों बाद जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिएगा डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनेगा आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा अगर आपके थर्ड या फोर्थ ग्रेड के एग्जाम्स है, भुंडा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। वैसे तो अलग अलग जगह पे मनाया जाता है, लेकिन अगर हम फेमस करें तो दैट इज निर्मंड, ठीक है। निर्मंड का जो भुंडा उत्सव है वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रचलित है। अगर हम बात करें कितने सालों बाद सेलिब्रेट किया जाता है, तो हर 12 साल बाद, कब, हर 12 साल। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आए कि किसकी इसमें पूजा की जाती है, तो भगवान परशुराम, परशुराम जी की जो है इसमें पूजा की जाती है, परशुराम जी से रिलेटेड है। कितने सालों बाद आता है, 12 साल बाद। इसके अलावा कुछ एक और जो है उत्सव है हमारे, कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है शांत, ये भी 12 साल बाद आता है, शांत भी जो है ये भी 12 साल बाद सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, एक पूछा जाता है नवाला जो है किस ट्राइब से रिलेटेड है, तो हमारी जो गद्दी ट्राइब्स है वो सेलिब्रेट करती है नवाला उत्सव को, ठीक है, ये गद्दी ट्राइब्स द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। एक और आता है गोची, जो हमीरपुर बोर्ड था पहले, उसमें तो बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया था, गोची गोटसी भी इसको बोलते हैं। तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारी जो लाहौल स्पीति की डिस्ट्रिक्ट, जो हमारी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, उसकी जो चंद्रभागा वैली है, चंद्रभागा जो घाटी है, उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है घोची फेस्टिवल। नेक्स्ट देखिएगा, ओल्ड नेम ऑफ बैजनाथ, बैजनाथ का जो है पुराना नाम क्या था, तो बैजनाथ का जो ओल्ड नेम था दैट इज किरग्राम। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 10 से 15 ऐसी जगह हैं जिनके ओल्ड नेम थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में अक्सर पूछे जा रहे हैं, पीछे से भी आगे भी पूछे जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है नालागढ़ का ओल्ड नेम दैट इज हंडूर, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। उसके बाद नूरपुर पूछा जाता है, नूरपुर का जो है ओल्ड नेम वो क्या था, वो था धमेरी, नूरपुर का जो ओल्ड नेम था वो धमेरी था।
इसके बाद अगर हम बात करें उन्ना, उन्ना का ओल्ड नेम क्या था? उन्ना का ओल्ड नेम था जसवा। उन्ना का जो ओल्ड नेम था दैट इज जसवा। उसके बाद अगर हम बात करें बिलासपुर की, बीएलपी लिख रहा हूं बिलासपुर को, बिलासपुर का ओल्ड नेम क्या था? कहलूर। बिलासपुर का ओल्ड नेम क्या था? कहलूर। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दैट इज सुंदरनगर। सुंदरनगर का ओल्ड नेम था बनेड़। सुंदरनगर का जो ओल्ड नेम था वो क्या था? बनेड़। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा भी और सारे बस्ते हैं, कुछ एक बस्ते हैं ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जामिनर ने बार बार पूछे हैं, वो आपके ये रहे। नेक्स्ट देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पैगोडा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन हिमाचल कम फ्रॉम। जो हिमाचल प्रदेश की मंदिरों की जो पैगोडा शैली है ठीक है, पैगोडा स्टाइल में जो आपके मंदिर बनाए जाते हैं, वो जो शैली है वो कहाँ से आई है? तो इसका जो ओरिजिन माना जाता है वो काठमांडू में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, काठमांडू इज कैपिटल ऑफ नेपाल। तो यहाँ से जो है ये आपका माना जाता है। जो हमारा हडिम्बा देवी टेम्पल है ठीक है, इसके अलावा मन्नू टेम्पल है। मन्नू टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? मनु का मंदिर कहाँ पे है? मनु टेम्पल जो लोकेटेड है ये कुल्लू के अंदर, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठीक है। इसके अलावा आदि ब्रह्मा टेम्पल, आदि ब्रह्मा टेम्पल, आदि ब्रह्मा टेम्पल भी कहाँ पे है? आदि ब्रह्मा टेम्पल भी जो है लोकेटेड है कुल्लू के अंदर। ये सब कौन सी शैली में बने हुए हैं? ये सब आपके पैगोडा शैली में बने हुए हैं, जिसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? नेपाल से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि नेपाल से जो है ये कला हिमाचल प्रदेश में भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा, जो हमारी रथ यात्रा है भगवान रघुनाथ जी की, कुल्लू का जो दशहरा है रघुनाथ जी की यात्रा शुरू होता है, तो वहां पे जो है जो यात्रा है वो यात्रा कौन सी देवी के आगमन के बाद ही शुरू होती है? कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा किस देवी के आगमन के पश्चात ही शुरू होती है? तो वहां पे जो गाँव है बेखला ठीक है, बेखला गाँव, वहां की जो बेखला देवी है भुवनेश्वरी, उनके आने के बाद ही जो है, जो हमारा ढालपुर मैदान है वहां से रथ यात्रा शुरू होती है ठीक है। वहां पे लेके आया जाता है भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, न ठीक है। इनमें से कोई भी जो ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं कि रघुनाथ जी की मूर्ति को अयोध्या से कौन लेके आया था कुल्लू, तो उनका नाम था दामोदर दास ठीक है, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुल्लू का दशहरा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ढालपुर ग्राउंड कुल्लू। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके अलावा देखिएगा, अभी हम डेली जो है जितने भी टैट के आपके एग्जाम हुए हैं, 20 क्वेश्चन पेपर है हमारे हर एक के। टैट आर्ट्स हो गया आपका, टैट मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी ठीक है, उनके 2020 क्वेश्चन पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं पिछले 10-10 सालों के। उन पेपरों को जो है मैं डेली, अभी टैट आर्ट्स से हम शुरू कर रहे हैं, टैट आर्ट्स का जो है कल पेपर आपको मिल जाएगा ठीक है। कुछ उसका कुछ एक सेक्शन, जैसे जीके सेक्शन है, पहले 20 पार्ट जो है जीके सेक्शन के आएंगे, उसके अलग से प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। उसके अलावा जैसे उसमें सोशल साइंस आती है तो अगला सेक्शन सोशल साइंस का रहेगा, उसके बाद इंग्लिश आती है तो इंग्लिश का सेक्शन रहेगा ठीक है। ऐसे करते करते जितने भी पिछले 10 सालों के पेपर है आपके टैट के, वो हम कंप्लीट करा देंगे। इसके अलावा जो एचपी हमारा चयन आयोग बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश का राज्य चयन आयोग बना हुआ है, उसका जो सिलेबस है जिस तरीके से वो सीबीटी एग्ज़ाम लेगा ठीक है, उसका जो फर्स्ट सिलेबस है उसके तहत जिस तरीके का सिलेबस बैठ रहा है उसके तहत जो भी पेपर आएंगे वो हम सॉल्व करेंगे। और उसके लिए बाकायदा मैं एक जो है सीरीज शुरू करूंगा, जिसमें बिल्कुल जीरो से जो है आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा आप, डेली जो है कंसिस्टेंसी मेरी तरफ से भी रहेगी, आप भी रखिएगा। और अगर आपको पसंद आते हैं वीडियो लेक्चर, तभी जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।